झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गोड्डा के घाघरा बांध हटिया मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे के पक्ष में सभी लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने एनडीए गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। वहीं बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने भी वर्तमान राज्य सरकार के वो आड़े हाथ हो लिया। चोरी करवाएगा उसका जगह कहाँ होनी चाहिए, जेल में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये उसका जगह जेल में है आज, इसलिए वो लोग हटवार खेल रहे हैं। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ, ये लोग हरियाली आंसू बहाते हैं, आंख में पानी बहाते हैं कि पासा दिया उनको भाई, अगर 4.5 साल तक इन लोगों ने यही काम किया, इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ। आज इन लोगों ने इस राज्य को यही बर्बाद किया। अगर आज इस प्रदेश में ये चोरी नहीं किया होता तो इस प्रदेश का विकास का काम होता। आज ब्लॉक में क्या है, भ्रष्टाचार है, अंचल में भ्रष्टाचार है, थाना में भ्रष्टाचार है, बिना पैसे से कोई काम नहीं होता है। और वो पैसा कहाँ जाता है, चाहे कांग्रेस के विधायक हो, चाहे जेएमएम के विधायक हो, चाहे उनके मंत्री हो, उन लोगों के घरों में जाता है। और आज नहीं तो कल उन लोगों के घरों में भी छापामारी होगी, तो वैसे ही आप देखेंगे करोड़ों टका मिलेगा और वो लोग जेल जाएंगे। और इसीलिए मैं आज सब लोगों से यही कहने के लिए आया, ये गैर आदिवासियों का भी मुद्दा है कि यदि चारों तरफ से मुस्लिम, बांग्लादेशी मुस्लिम यहाँ बस गए तो संथाल पन्ना में एक हिंदू नहीं नजर आएंगे। मैं आज आपको भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ, और ये चुनाव यही है, ये चुनाव ये है कि हम आदिवासी हितों की रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे, बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां से भगाएंगे कि नहीं भगाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, जो कांग्रेस की नीति रही है कि आदिवासियों को खत्म करो, वोट बैंक के नाते मुसलमानों को साथ, और खासकर बांग्लादेशी मुसलमानों को साथ, क्या हम आप लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।